कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉक्स। तो ये लुक आपको कैसा लग रहा है? आई होप आपको ये मेरा आज का लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा एलिगेंट मेकअप लुक हुआ था एंड ज्वेलरी मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनी है तो एंड ये वेस्टर्न ड्रेस है, मेरा फ्रॉक है बहुत ही प्यारा जिसपे मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आप चाहे तो इस लुक को क्रिएट करके कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपके घर में इंगेजमेंट है, अगर फेयरवेल पार्टी है या फिर विंटर्स में कहीं घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस लुक को डेफिनेटली ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप स्टेप्स है मैंने क्रिएट किया है एंड अभी मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए थे तो मैं उनसे थोड़ा बहुत बात करने लगी। भूल गई थी कैमरा भी है स्टार्ट, तो मैं भूल गई थी और उनसे बात करने लगी थी। बट कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे एकदम मूव ऑन हो जाती हूँ बहुत जल्दी। तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले प्राइमर। एन वाई बी का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, आपके पोर को मिनिमाइज़ करता है। एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। एंड उसको थोड़ा सा एक ड्रॉप मैं लगाई होंगी पूरे फेस पे एंड एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो फिंगर से भी कर सकते हैं। ओके, तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप है मेकअप का, तो इसको ज़रूर अप्लाई करें। ओके, आफ्टर देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, गोल्डन बीज है मेरा शेड एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरा फेवरेट है। एंड इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद एक ब्लेंडर ले रही हूँ एंड पूरे फेस पे डैब डैब मोशन में अप्लाई करना है। फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है तो बहुत अच्छा लगता है लगाने में। ठीक है, तो मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही थी। हाँ, बट आपने देखा होगा मैं कितना ली हूँ, जिससे मेरे पूरे फेस पे अच्छे से मतलब हो जाना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं स्विस बीजी का यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। 02 मेरा शेड है, सैंड सेवल मेरा शेड है, मुझे याद हो गया इसका शेड, बहुत अच्छा शेड है स्विस बीजी का। जो ये कंसीलर है ना, आई थिंक मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है ट्राई करते एंड सबका एक ही रिकमेंडेशन होता है कि ये बहुत अच्छा है, सच में ये बहुत अच्छा है। मेरा ये दूसरा या तीसरा ऐसे है एंड ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड बहुत लाइट वेट भी है एंड बहुत बहुत मेरा फेवरेट है। तो इसको मैं अपने अंडर आइज़ पे जहाँ जहाँ ब्लैक एरिया हो जाता है, स्पॉट्स है, वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करें। एंड मेरा नोज़ रिंग जो है ना बार बार मूव हो जाता है इधर से उधर, तो मैं इसको अपने साथ जगह पे करती रहती हूँ। इन बाई वे का मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉन्टोर स्टिक एंड इसको भी मैं अपने पूरे फेस पे नहीं, जहाँ जहाँ कॉन्टोरिंग होती है वहाँ वहाँ से अप्लाई करना है, नोज़ के पास एंड जॉ लाइन को कट करने के लिए। एंड बहुत अच्छा है, क्रीम बेस्ड है तो परफेक्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सेम ब्लेंडर की हेल्प से जैसे डैब डैब मोशन में इसको ब्लेंड कर रही हूँ, नोज़ को हल्का सा कट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको, तो हल्के हल्के डैब डैब मोशन में करना है आपको। मेकअप पाउडर को उड़ा नहीं देना है, इतना डैब करना है कि आप वो वहीं पर रह जाए। एंड हाँ, आपको ध्यान रखना है जो भी आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया है उसको नीचे की तरफ नहीं, कॉन्टोरिंग के जो भी आप अप्लाई करेंगे उसको ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं। ठीक है, एंड जॉ लाइन को भी मैंने कट किया तो उसको भी सेम ब्लेंडर के हेल्प से या फिर आप ब्रश से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ओके, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा फॉरहेड यहाँ पे एक जगह, तो देखिए हेयर थोड़ा सा ऊपर से है एंड एक जगह नीचे से है, तो उसको सेम करने के लिए वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड फॉरहेड पे भी ज़रूरी है, जिसका बहुत ज़्यादा फॉरहेड बड़ा होता है उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई करना चाहिए, बट मेरा उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लूज पाउडर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का एंड मैं अंडर आइज़ के पास बेक करने के लिए, या फिर जो भी आप आई मेकअप करते हैं ना वो थोड़ा बहुत फॉल आउट हो जाता है तो उसको अच्छे से हटाने के लिए ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। एंड अपने कॉन्टोरिंग को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से लगा रही हूँ, आप देखिए लूज पाउडर, एंड अभी मैं छोड़ दूँगी, उसके बाद जब मैं हटाऊँगी तो बहुत अच्छे से फ़र्क आपको दिखेगा। एंड जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये मास्क का मैं ले रही हूँ आई शैडो पैलेट, इसमें छोटा सा है बट बहुत ही कमाल का आई शैडो पैलेट है। मैं यहाँ पर क्रीज़ के लिए एक लाइट शेड पिक कर रही हूँ, आपने देखा मैं कौन सा पिक कर रही थी, एंड उसको अच्छे से क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ फ्लफी ब्रश की हेल्प से एंड उससे थोड़ा सा डार्क लूँगी उसके बाद। एंड दो शेड को मैं ना मिक्स कर दूँगी, तो आप देखिए मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स किया एंड थोड़ा डार्क हो गया मेरा क्रीज़, तो अच्छे से क्रीज़ को आपको करना है। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं डेफिनेटली, बस आप चाहे तो कोई भी एक डार्क कलर या शिमर कलर लेके अपने आई लिड पे अप्लाई कर ले। ठीक है, मैं एक शिमर बेस्ड कलर ले रही थी एंड उसको मैं अपने लिड पे हाफ से भी ज़्यादा में मैंने उसे अप्लाई किया है, बहुत प्यारा लग रहा था। एंड उसको करने के बाद ये देखिए मेरा लुक ओवरऑल ऐसा हुआ है। एंड बाय वे का मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइनर। लाइनर आपके पास जो है बस आप क्रिएट कर ले, विंग चाहे बिना विंग के भी बहुत प्यारा लगता है, मैं आज कोई भी विंग नहीं बना रही, बस मोटी सी लाइनर अप्लाई करूँगी। एंड मेरा आईज़ थोड़ा बड़ा है तो और भी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है,
तो बस यहाँ पे ये लाइनर, आपके पास जो भी लाइनर है कोई भी कलर का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं जितना भी मेरा लूज पाउडर था मैं उसको अच्छे से हटा रही हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है फ़र्क। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एन बाई बी का कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, इसमें SPF 40 भी है, बहुत अच्छा है। 06 मेरा शेड है, बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट है मेरा। एन वाई बी का बहुत सारा प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं वाइट कलर ले रही हूँ, शिमर कलर, एंड मैं अपने आइज को थोड़ा सा नीचे में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कोई पिंक वगैरह नहीं मैं अप्लाई कर रही थी, बस वाटर लाइन के पास वाइट लेकर उसको, उससे क्या होगा ना आपका आइज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगता है। मिस क्लियर का यहाँ पे मैं ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल, एंड ये आईब्रो पेंसिल बहुत ही अच्छा है, बहुत दिनों से चल रहा है मेरा, एंड उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। अगर आपकी मोटी लाइन, मोटी आईब्रोज है तो मोटी ही करें, एंड थिन है तो उससे भी आप मोटी कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसको करने के बाद मैं यहाँ पे अपने फॉल्सेस को भी अप्लाई करके रेडी हो गई हूँ, एंड वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ आईज़ में, एंड ये भी एन बाई बे का है। मेरे पास बहुत सारे एन बाई बे के प्रोडक्ट हैं एंड सब बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद मैं अपना जो मिस क्लियर का मेरा आईब्रो पेंसिल था उससे मैं एज अ लिप लाइनर भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक लिप्स पे बॉर्डर बनाती हूँ, एंड उसके बाद मैं अपना लिपस्टिक फिल करूँगी। तो आपके पास जो भी लाइनर है आप उससे अप्लाई कर लें, एंड उसके बाद आपके पास जो भी लिपस्टिक से मिलती जुलती वो अप्लाई कर लें। मैं उसको लाइनर को अप्लाई करने के बाद छोड़ दी थी, मैं पहले लगाने लगी स्विस ब्यूटी का ये प्रो ब्रश एंड हाइलाइटर है। इसमें 4 शेड्स आपको ब्लश मिल जाते हैं, एक कॉन्टोर मिल जाता है, एंड 2 मिल जाता है आपको हाइलाइटर। तो मैं उसमें से जो पीच कलर था ना उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग लुक मेकअप लुक है, तो बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल लाइट है, एंड इतना ही मैं काफ़ी काम बन गया था मेरा। एंड नोज़ पे एंड चिक्स पे अप्लाई करने के बाद ओवरऑल बहुत अच्छा ये कलर है, पीच जो कलर है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर ले रही हूँ, 2 हाइलाइटर, एक शैम्पेन एक गोल्डन, तो शैम्पेन वाला मैं पिक करके इसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड हाइलाइटर आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं नीचे नीचे पे भी जहाँ पे आप ब्लश लगाएं, एंड नोज़ को भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ। देखिए बहुत प्यारा सा एक ओवरऑल लुक ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं वहाँ वहाँ आप ज़रूर अप्लाई कर लें। उसके बाद यहाँ पे लैकमे 925 का मैं ले रही हूँ लिपस्टिक। मेरा लिपस्टिक का शेड है रेड 13 या 3 कोट है, बहुत सुंदर शेड है। एंड अभी विंटर्स है तो मैं ज़्यादा बुलेट फॉर्म वाला लिपस्टिक यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जो मैट वाले होते हैं उससे लिप्स बहुत ज़्यादा चैपी हो जाते हैं, बट मैं करती हूँ। उसके बाद मेकअप मेरा डन हो गया, यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ। बस आप बताना मुझे ज़रूर कि आपको मेरा ये आज का लुक कैसा लगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। अगर आपके पास एडी नक का जो भी आपके पास ज्वेलरी आप वेयर करें, मेरे पास तो ये था तो मैंने इसे वेयर किया, मेरे कॉस्ट्यूम से बिल्कुल मिलता जुलता था। तो अगर आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।